हमारे मोहतरम सईद गनी साहब और जनाब सयाल साहब और इम्तियाज शेख दोबारा से शुरू करते हैं। सईद गनी साहब, इम्तियाज शेख साहब और ये तशरीफ़ लाए नजमी आलम भाई के साथ, और उन्होंने हमसे तबादला ख्याल किया। और जो इलेक्शन हुआ है बल्दियाती, इसमें जो हमारे शदीद तहफ़ात हैं और इस वक्त तक भी इलेक्शन का ये प्रोसेस ख़त्म नहीं हुआ है, इस पर हमने पूरी बात कही है। और दोनों के दरमियान तमाम तर जगहों पे जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स हैं उस पर गुफ्तगु हुई है। और ज़ाहिर है कि सईद गनी साहब ने और इम्तियाज़ शेख साहब और नजमी आलम साहब ने ये कहा है कि हम इन तमाम चीज़ों को देखेंगे और जहाँ जहाँ ये चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं बनाएंगे। तो जब ये बेहतर बनाएंगे और नतायज के एतबार से भी और पूरे कंडक्ट के एतबार से भी इलेक्शन में कोई ऐसी सूरत सामने आ जाएगी जिसके नतीजे में कोई वाज़े और मुतय्यन चीज़ होगी हमारे पास और हमें ऐसा लगेगा कि हुकूमत अपना कोई इन्फ्लुएंस जो है वो नहीं कर रही है, तो उस पर फिर इंशाल्लाह हमारे दरमियान यही बात हुई है कि बाद में भी गुफ्तगु और बातचीत हम आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन सरे दस्त चूँकि शदीद नोयत के मामला हैं, मैं रोज़ सुबह शाम अर्ज़ कर रहा हूँ, इस वक्त भी कुछ जगहों पर रिकाउंटिंग जारी है जो कि उसूलन नहीं होनी चाहिए, और रिकाउंटिंग के नतीजे में काफ़ी प्रॉब्लम सामने आ रही हैं। जो कुछ इलेक्शन वाले दिन हुआ वो ज़ाहिर है उसकी सारी शिकायत हमने इलेक्शन कमीशन को भेजी हुई हैं। कुछ जगहों पर ऐसा भी हुआ कि प्रिजाइडिंग अफसर समेत वो भी उठा कर ले गए, डब्बा भी उठा कर ले गए मकामी SHO, वो भी हमने तमाम चीज़ें जो है वो डाली हुई हैं। लेकिन हमें जो तकलीफ़ पेश आई वो फॉर्म 11 और फॉर्म 12 के इजरा पर, उसके लिए बड़ी तगोदो करनी पड़ी, और फिर उसके बाद नतीजों की तब्दीली पर, जिसके लिए हमने तवील जद्दोजहद भी की, धरने भी दिए, एहतजाज भी किया और इलेक्शन कमीशन से भी मुसलसल राबता किया, ख़ुद पीपल्स पार्टी से भी हमने बार बार बात की कि इस मसले को रिजॉल्व करें। तो इलेक्शन कमीशन ने कुछ UCOs के केस को टेकअप किया है जो 23 तारीख को होगा, लेकिन जिन UCOs में रिकाउंटिंग के मसले चल रहे हैं और रिकाउंटिंग के नतीजे में जो खराबियाँ पैदा हो रही हैं और नताइज तब्दील हो रहे हैं, यानी रिकाउंटिंग एक लीगल प्रोसेस है, लेकिन इस लीगल प्रोसेस में अगर इलीगल चीज़ें हों और ज़बरदस्ती कुछ चीज़ें शामिल कर दी जाएँ तो वो पूरा प्रोसेस फेक हो जाता है, और जो कि अमलन इस वक्त हुआ है। तो हमें जो कुछ भी इस पर तहफ़ुज़ात थे वो हमने अपने पीपल्स पार्टी के और सिंध हुकूमत के दोस्तों को बता दिए, और मेरा ख्याल है, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह सईद गनी भाई और उनकी पूरी टीम इस मसले को देखेगी और चीज़ें रिजॉल्व होंगी। हम इंतज़ार करेंगे और इंतज़ार के बाद अगर चीज़ें बेहतर होंगी तो फिर बातचीत भी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम दोस्तों की जानिब से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, जमात इस्लामी के दोस्तों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि हालिया बल्दियाती इलेक्शन में कराची में उन्होंने अच्छी खासी नशस्तें हासिल की हैं। दूसरा, इन्होंने हमें ये मौका दिया और हमने ही गुजारिश की थी कि हम आपके पास आना चाहते हैं। कल आपके इल्म है कि चीफ मिनिस्टर साहब ने बात की थी हाफिज़ साहब से, और आज हमने रब्ता किया और इस ख्वाहिश का इजहार किया कि हम आपके पास आकर तब बहुत सारे इशू डिस्कस करना चाहते हैं, जो आपकी शिकायत है उनको सुनना चाहते हैं। इन्होंने मेहरबानी फरमाई और हमें चाय भी पिलाई, फ्रूट भी खिलाया और बिस्किट वगैरह भी काफ़ी पेटिस भी थे, तो खातर मदारत भी अच्छी खासी हमारी की है, मतलब खाने पिलाने में। तो कमरे में बंद करके तो नहीं किया? नहीं, वो फिर इस तरह इस कंडीशन में बाहर नहीं आते। तो इस पर भी उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और हम पिछले कई दिनों से ये कह रहे हैं, जब से इंतखाबात का नतीजा आना शुरू हुए, कि हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी मिलकर इस शहर के बल्दियाती इदारों में साथ चलें, और ये इस शहर के लिए, शहर के लोगों के लिए, बल्दियाती इदारों के लिए बहुत अच्छा मौका है कि दो मैच्योर पॉलिटिकल पार्टीज़ इस शहर के हालात को ठीक करने में अपने हाथ से हाथ मिलाकर आगे चलें। यकीनन जमात इस्लामी के कुछ ग्रीवेंसेज हैं, कुछ एतराज़ात हैं, कुछ शिकायत हैं, जिसका वो बरमला इजहार भी करते रहे, और कल चीफ मिनिस्टर साहब से भी उन्होंने बात की, आज हमारी बात भी हुई तफसील से। आपके इल्म है कि जब इंतखाबात होते हैं तो ये जितने ऑफिसर्स हैं या जितना सेटअप होता है इलेक्शन के मरहले में,
वो सब का सब इलेक्शन कमीशन के मातहत होता है, इलेक्शन के कवानीन के तहत काम करता है। तो हुकूमत के बराह रास्त इख्तियार में बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमने ये यकीन दहानी कराई है कि जो एतराज़ात जमात इस्लामी के हैं उसमें अगर कहीं हुकूमत सिंध का कोई रोल बनता है, कोई हम किरदार अदा कर सकते हैं, तो हम वो ज़रूर अदा करेंगे। बाकी जो कानूनी ज़राए हैं, जो कानूनी रास्ते हैं अपनी शिकायत को दूर करने के, वो जमात इस्लामी ने इख्तियार किए हैं, उनका हक है वो करें, और हम उस पर बिल्कुल रुकावट नहीं बनेंगे, एतराज़ नहीं डालेंगे। और ये हर उम्मीदवार अपने तौर पर ये कोशिशें करता है। जिन छः हलकों का जिक्र दो तीन दिन से कर रहे थे हाफिज़ साहब और कल सीम साहब से भी उन्होंने जिक्र किया, लेकिन आपके इल्म है कि कल ही इलेक्शन कमीशन ने उस पर नोटिस लिया और उन छः हलकों पर मज़ीद किसी भी काम से रोक दिया है, डी आर ओ को, आर ओ को, तो उस पर कोई इस वक्त एक्टिविटी नहीं हो रही है। और 23 तारीख को इलेक्शन कमीशन के सामने वो पेश होंगे, और जो भी फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा, चाहे वो जमात इस्लामी के हक़ में हो, हमारे खिलाफ हो, हम उसको तस्लीम करेंगे और कानून के मुताबिक उस पर आगे बढ़ेंगे। और हमने ये भी तय किया है कि इन तमाम इशूज़ को इंशाल्लाह ताला खुशअसलूबी से तय करेंगे, और उसके बाद मज़ीद आगे बातचीत के मराइल भी जारी रखेंगे ताकि किसी एक बेहतर नतीजे पर हम दोनों जमातें पहुँच सकें। ये बताएं सर, इलेक्शन जो नतायज है वो तो लाजमी है, बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने अनाउंसमेंट करने, दोबारा गिनती का भी अख्तियार इलेक्शन कमीशन या डी आर ओज के पास है, सिंध हुकूमत के पास ऐसा क्या है जिससे आप मुतमैन हो जाए हाफिज़ साहब आपसे, क्योंकि आगे बात तब बढ़ेगी, उधर खुलकर बताएं क्या ये कौन सी आपके साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं जिसको ये अगर इंसाफ में लाएँ तो तहरीक इंसाफ नहीं, आपको इंसाफ मिल जाए ताकि आप एक अच्छे माहौल में रहें। देखिए, मेरा ख़्याल ये है कि कानूनी और जो इंतज़ामी उमूर है ना, वो पूरे के पूरे इलेक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, और इलेक्शन कमीशन का अपना एक दायरेकार है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास जो अमला होता है आर ओज़ और डी आर ओज़ की सूरत में, वो गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है। तो जाहिर सी बात है कि इलेक्शन कमीशन के अमले का मसला होता है तो हम डायरेक्टली उनसे बात करते हैं, और जहाँ पर इलेक्शन कमीशन डिपेंडेंट होते हैं आर ओज़ डी आर ओज़ पे और उनकी जो शिकायत होती है, वहाँ फिर हुकूमत से भी बात करते हैं और इलेक्शन कमीशन से भी बात करते हैं। तो ये ज़्यादातर जो मसाइल हैं इस वक्त, यानी पहले वाली बात तो और थी, वो तो मैं अभी उस पर बात नहीं कर रहा जो ड्यूरिंग पोल या उससे पहले की चीज़ें हैं, लेकिन इलेक्शन के मुकम्मल होने के बाद जो चीज़ें हैं उसका ताल्लुक अब चूँकि आर ओज़ और डी आर ओज़ से है, और उसमें इलेक्शन कमीशन भी और सिंध हुकूमत का भी रोल बनता है, लिहाजा हम ये समझते हैं कि इस मसले को अच्छे तरीके से रिजॉल्व हो जाना चाहिए, ताकि फिर यानी क्यों शहर के अंदर वो फ़िज़ा पैदा हो कि जिसके नतीजे में जो है वो कोई किसी को तस्लीम ना करे, जो जीत गया है उसको तस्लीम करना चाहिए। और मेरी यही दरख्वास्त है, हम तमाम तर तहफ़ुज़ात के बावजूद जिसका जो जेन्युइन मैंडेट है हम उसको तस्लीम करते हैं, लेकिन जमात इस्लामी अगर एक बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आ गई है तो ज़रूरी नहीं है कि कोई नंबरों को आगे पीछे करके आप उसका साइज़ कम करने की कोशिश करें। बहरहाल हमने सारी बातें की हैं, और मेरा ख्याल है कि बात इस लिहाज से तो बेहतर है कि इन्होंने जहां ये अपना रोल अदा कर सकते हैं उसका अदा करने की यकीन दहानी करवाई है, और मैं इनसे उम्मीद रखता हूं कि इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। तीन अजला पर आप जो हुक्मरानी करें और तीन अजला पर पीपल्स पार्टी, कोई ऐसी बात है कि दो डिवीजन बनाए जा रहे हैं कराची के? ये नहीं मन तक आपने करा आपके आपके ये जराए जो है ना बहुत ही नाकस है। ये बताइएगा कि कराची के जो हालात कल से खराब भी हुए हैं, काफी सारे डी आर ओ पथराव भी हुआ किमाड़ी पे और दीगर जगहों पर भी पथराव और डंडे चले, तो जमात इस्लामी और आपने ये फैसला किया कि इस तरह कारकुन जो है वो मुश्किल ना हो, शहर की फजा जो है वो खराब ना हो, इसके ऊपर कोई बात हुई नहीं? देखिए, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है सबकी, के बावजूद इसके कि अगर हमारे साथ कुछ इख्तलाफात भी हों दरमियान में, कुछ इश्यूज़ भी हों, कुछ एतराज़ात भी हों, हमें कोशिश ये करनी है कि उसका असर शहर के हालात में ना पड़े, और जो सियासी कारकुन हैं दोनों जमातों के उनके अंदर कशीदगी इतनी ना बढ़े कि उससे माहौल ख़राब हो। और ये माहौल कंट्रोल में रखना हमारा इसलिए भी ज़रूरी है कि जब हम ये चाहते हैं कि हम जमात इस्लामी के साथ चलें, और जमात इस्लामी भी यकीनन आगे चल कर ज़रूर ये ख्वाहिश करेगी कि उनको हमारे साथ चलना है, तो जब दोनों जमातों ने साथ मिलकर काम करना है तो फिर कारकुनों के दरमियान भी कशीदगी जो है वो किसी तौर पर भी शायद अच्छी नहीं, और कोई भी नहीं चाहेगा कि हो। सैयद रमी साहब, मेरा आपसे सवाल है, जैसे कि आवाज़ काफ़ी दी गई, मुझे माइक भी मिल गया, सवाल ये कि हम इल्जाम लगते हैं, ठप्पे लगाने के इल्जाम लगते हैं,
पीपल्स पार्टी में नया इल्जाम लगा रही है पीटीआई, उनका कहना यह है कि आपने तो इलेक्शन कमीशन को ही सही किया, इलेक्शन कमीशन आपकी बी टीम का किरदार अदा कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से कि आप पीटीएम का हिस्सा बन गए इलेक्शन कमीशन? यार वैसे अगर पीटीआई के लोगों ने ये बात की है तो फिर मेरा ख्याल है कि उसकी बात पर आपको यकीन नहीं करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन से एतराज़ात उस पर कुछ लोगों के हो ज़रूर सकते हैं, लेकिन मजमूई तौर पर इलेक्शन कमीशन बेहतर तौर पर काम कर रहा है। अब ये तो किसी इदारे के लिए मुमकिन नहीं कि सबको राज़ी करे, और इमरान खान को तो अल्लाह ही राज़ी कर सकता है, इधारा तो कोई नहीं कर सकता। एक सवाल का जवाब दे दें, जो आपने इलेक्शन से कबल 10-1 के तहत हल्का बस्तियों को मुस्तरद किया था या उसके हवाले से जो नोटिफिकेशन निकाला था, अब जो इलेक्शन हुए हैं उस नोटिफिकेशन के बाद क्या कानूनी है? नहीं, वो तो इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम ही नहीं किया था, तो उसकी तो बात ही ख़त्म हो जाती जब इलेक्शन हो गए। मेरे भाई वो इलेक्शन से पहले की बात थी, जब उन्हीं हल्का बंदियों पर इंतखाबात हो गए जिनको हमने वापस लेने की बात की थी, तो अब उस नोटिफिकेशन की कोई हैसियत रहती नहीं है। थैंक यू सर। थैंक यू। शुक्रिया।